टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे लोकप्रिय शो जिसने दर्शकों के दिलों में आज भी जगह बनाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। यह शो 2008 में शुरू हुआ था, जो कि पॉपुलर कॉमेडी शो है जिसे अब लगभग 15 साल हो गए हैं। शो के किरदारों से उनके फैंस की अपनी भावनाएं और एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। वहीं शो की सबसे पॉपुलर, खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता, यानी बबीता जी, जो कि अपने फैंस के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। एक्ट्रेस को फैंस का खूब प्यार मिलता है, लेकिन इस बार लोग उनसे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। दरअसल मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी अपनी वेकेशन आबू धाबी में मज़े से इन्जॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस आबू धाबी के फेमस शेख जायद मस्जिद में भी घूमने पहुंची, जहां से उन्होंने हिजाब और बुरके में अपनी कुछ तस्वीरें साझा की। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, इससे पहले कोई कुछ पूछे या सोचे तो मैं बता देती हूं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं। अगर मैं दूसरे देश जा रही हूं तो वहां की संस्कृति की इज्जत करूंगी। इसी तरह मैं दूसरे धर्म के लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि वो मेरे धर्म और मान्यताओं का सम्मान करें। लेकिन लगता है कि मुनमुन दत्ता की इस बात का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और एक्ट्रेस को बुर्के और हिजाब पहने देख सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने कमेंट कर लिखा, मंदिरों की कमी है क्या जो मस्जिदों में जाती हो। दूसरे यूज़र ने कमेंट कर लिखा, मुनमुन दत्ता को अनफॉलो करो। कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जो एक्ट्रेस की पोस्ट पर जय श्री राम लिखकर मुनमुन दत्ता को ट्रोल कर रहे हैं। हिजाब और बुरके में मुनमुन दत्ता की इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।